Okay, in this video we are going to learn how to use the length function in Microsoft Excel. So let's start that. आपने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं या कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहां पर हमें किसी टेबल की डेटा को काउंट करना होता है और उस टेबल के डेटा को काउंट करना मैन्युअली आसान काम नहीं है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं और अगर हम उन इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करते हैं तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो इनमें से लेंथ कैलकुलेट करने का जो फंक्शन है मैंने ऑलरेडी हेडिंग में डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इस फंक्शन का नाम है लेंथ, LEN, लेंथ फंक्शन। इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो ऐसा कि जैसे ये स्ट्रिंग दी हुई है इसको एज इट इज में काउंट कर लूं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ राहुल शुक्ला, तो ये कितने इसकी लेंथ है अगर मैं मैनुअली काउंट करूं, RAHUL 5 कैरेक्टर्स, SHUKLA 6 कैरेक्टर्स, 6 प्लस 5 11 कैरेक्टर्स, एक यहां पर स्पेस है इनके बीच में, तो टोटल कितने हुए 12 कैरेक्टर। तो आइए देखते हैं ये कैसे रिजल्ट देता है। मैं यहां पर टाइप करूंगा LEN और पास करूंगा इस पैरामीटर को और पैरेंथेसिस को जैसे क्लोज करूंगा, आप देखेंगे कि लेंथ कितनी आ गई 12, जो मैंने कि मैनुअली भी काउंट की थी। तो ये इस फंक्शन की मदद से हम इस तरीके से किसी भी चीज को बहुत आसान बना सकते हैं। तो अगर मैं इस सेम फॉर्मूले को इस टेबल में कॉपी कर दूं तो आप पाएंगे कि इन सारे स्ट्रिंग या नेम्स के लिए भी ये लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है। इस तरीके से लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए। बट इस कंडीशन में एक इशू ये है कि इसमें स्पेस भी काउंट होता है, राइट? मैंने बोला जैसे यहाँ पर इसके टोटल 6 प्लस 5 कैरेक्टर्स हैं, टोटल 11 कैरेक्टर्स, राइट? बट इसमें आप स्ट्रिंग का काउंट देखोगे तो ये 12 है, इसका मतलब इसने स्पेस को भी काउंट किया है। तो अगर आप स्पेस को काउंट नहीं करना चाह रहे हो तो आप स्ट्रिंग की लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आइए उसको भी देखते हैं। आप देखेंगे मैंने एक कॉलम यहां पर बनाया हुआ है लेंथ विदाउट स्पेस। इसके लिए एक फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट, जो हम लेंथ फंक्शन के साथ यूज करते हैं। और अगर आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके मैंने आई बटन में ऑलरेडी यहाँ पर अटैच कर रखा है, आप देख सकते हैं आई बटन के थ्रू सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कैसे हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर रिमूविंग द स्पेस। अगर वैसे देखा जाए, अगर मैं बिना फंक्शन की बात करूं तो अगर इसकी मैं स्पेस को काउंट नहीं करूं तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं 11, मतलब इस नेम की जो लेंथ है वो 11 है। तो आइए देखते हैं हम फंक्शन के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एलियन फंक्शन को पास किया, इस फंक्शन में मैंने सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल किया। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करेगा कि पैरामीटर लेगा जो कि नाम है, उसमें से जो इसका स्पेस है उस स्पेस को रिमूव करना है। तो आप देखेंगे ये ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कॉमा, इसको किससे रिमूव करना है, इसका स्पेस हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्लैंक से मैं रिप्लेस कर दूंगा और इस फंक्शन को मैं क्लोज कर दूंगा। आप देखेंगे कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है 11 है, इसका मतलब है इसने स्पेस को इस बार काउंट नहीं किया है। तो इस तरीके से सारे नेम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो सबके बीच में एक एक स्पेस है, तो आप इस फंक्शन को हर जगह पर कॉपी कर देंगे और आप पाएंगे कि जो भी लेंथ यहां पर काउंट हुई थी उससे ये लेंथ कम होगी। आप देखेंगे ये 12 थी तो ये 11 है, ये 13 थी तो ये 12 है, ये भी 13 थी तो ये भी 12 है, सो ऑन। तो इस तरीके से ये सारी लेंथ को हम बिना स्पेस के भी काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेंथ फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।